अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैन इनका नाम है। अब ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन का जायजा लेकर बेचारे आराम कर रहे हैं। हाँ क्यों ना आराम करें, इनको ऑर्डर मिलना चाहिए कोई काम करने का। बगैर ऑर्डर के ये बेचारे जा नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी मर्जी से या इनकी मेहनत से इन्हें ये ओहदा नहीं मिला है, रिकमेंडों से ओहदा मिला है। तो फिर उन्हीं की बात सुनकर ये निकलना पड़ेगा। हम ये गुजारिश करेंगे हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से कि जरा लाल दरवाजा अलियाबाद के कब्रिस्तान का भी एक दौरा करें, किस हाल में है ये कब्रिस्तान। हमने इससे कबल भी चेयरमैन को कहा था लेकिन उस चेयरमैन की कान पर जूं भी नहीं रहेगी क्योंकि वो भी रिमोट कंट्रोल से चलने वाला ही चेयरमैन था। कब्रिस्तान की दीवार से लगकर एक वैन शॉप भी खुल गई है। ये एरिया लाल दरवाजा अलियाबाद का है और हमारे इस एरिया के एमएलए साहब का नाम अकबरुद्दीन अवेसी जो AIMIM के फ्लोर लीडर हैं। हम सच्चाई बताते हैं, कई लोग खुश भी होते हैं लेकिन चंद एक मरीजों के पेट में दर्द होता है और कमेंट करते हैं। आप कमेंट करने से पहले सोच लो कि आपके खिलाफ भी मैं कार्रवाई कर रहा हूं। जो जो गालियों से कमेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अच्छा मुझ क्या आ रहे हैं नाजरीन। आज फिर एक बार हम 3 महीने में तीसरी मरतबा दरगाह हज़रत सैयद अरबी दुले शाह के कब्रिस्तान में आए हुए हैं जो लाल दरवाजे में मौजूद है। काम करवाए सिर्फ साल में एक बार जो है, बाहर का बाहर आते मशीन से वाइट दीवार को चूना मार देते, उसके बाद में चले आते, फिर वही दूसरा साल होना वापस आने के लिए। खबर खस्ता हालत में जो खबर मौजूद है वो जो है खस्ता हालत में है। ये देखिए आप खबर पूरी खस्ता हालत में खबरें हैं। अड़ोस पड़ोस में जो घर बन रहे हैं वो अपना अपना कचरा इधर फेंक रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा आगे। जो गेट का एंट्रेंस है वहाँ पर वो भी बताऊंगा आप लोग को। अभी आप ये झाड़ का आलम देखिए, लग रहा है कि कोई जंगल से कम नहीं है यह कब्रिस्तान। मौजूदा हालात कब्रिस्तान के ऐसे है कोई जंगल से कम नहीं है। खबरें टूट कर पड़ी हुई है। कई बार नुमाइंदगी करने के बावजूद वक्फ बोर्ड पर जो है कोई असर नहीं हुआ। 3 महीने में ये तीसरी मर्तबा हम यहाँ पर आए हैं। ये झाड़ ऐसे झाड़ हैं। ये देखिए आप, ये गेट है एंट्रेंस की कब्रिस्तान की। ये यहाँ पर जो है मिट्टी के सीमेंट के वगैरह थैले रखे हुए हैं। ये पूरा डंपिंग यार्ड, एक तरह से डंपिंग यार्ड बने हुआ है। हमारा एक सवाल है चेयरमैन सलीम साहब से वक्फ बोर्ड के कि ये कब्रिस्तान है या डंपिंग यार्ड है। पूरा लोग यहाँ पर कचरा डाल रहे हैं, यहाँ पर कोई देखभाल के लिए नहीं है। कमेटी के लोग जो है 10 चक्कर लगा चुके हैं। वक्फ बोर्ड के सलीम साहब से मुलाकात करने का मौका नहीं दिया गया। सलीम साहब से जो है मिलने के लिए उनको नहीं दिया गया। बस वहाँ के लोग जो है बात कर रहे हैं कि ठीक है आते, इंस्पेक्टर आते, वक्फ बोर्ड के जो है टीम आती। आज से बराबर 3 महीने पहले हम लोग मीडिया वाले, हम मीडिया पर्सनस जो है मस्जिद कोका की टट्टी की एक मस्जिद का और इस कब्रिस्तान का मसला लेकर वक्फ बोर्ड सलीम साहब से मुलाकात किए थे। वक्फ बोर्ड सलीम साहब ने जब 2 टीम को भिजाया था, एक जो है कोका की टट्टी मस्जिद के लिए, वहाँ पर इंस्पेक्टर वहीद साहब आए थे, एक टीम को जो है यहाँ पर आने के लिए लाल दरवाजे के कब्रिस्तान में, लेकिन वो टीम अभी तक आज तक भी 3 महीने में यहाँ तक नहीं पहुँची।
वो इंस्पेक्टर हुसैन साहब या इंस्पेक्टर हुसैन साहब है वक्फ बोर्ड के, हुसैन साहब से इससे पहले बात हुई थी तो उन्होंने बताए थे कि हाँ ठीक है हम आएंगे बोल के, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर आए नहीं आए पता नहीं, लेकिन यहाँ पर काम तो बिल्कुल नहीं हुआ। ये सिर्फ यहाँ के ये सामने सामने के जो है थोड़े थोड़े झाड़ काटे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा अंदर का रास्ता साफ है लेकिन अंदर घना घना जंगल जैसे का वैसा है। और ये देखिए आप, ये डंपिंग यार्ड बने हुआ है, ये जितने लोग यहाँ पर घर बना रहे हैं उन्होंने अपना अपना कचरा पूरा यहाँ पर डाल रहे हैं, टीन शेड, ये गनेटा, पत्थर, ये कचरे के थैले, ये देखिए आप, ये देखिए आप, गंदे कपड़े, कचरे की कुंडी बना के रखे हुए हैं। वक्फ को चाहिए, सलीम साहब को चाहिए कि यहाँ पर एक टीम को जल्द से जल्द भिजाएँ और यहाँ के कब्रिस्तान की साफ़ सफाई करें, साफ़ सफाई करवाएं, और यहाँ पर अगर कमेटी नहीं है कब्रिस्तान की तो एक कमेटी तश्कील दें, कमेटी तश्कील देकर जो है ज़िम्मेदारान को ठहराएं और ज़िम्मेदार बनाकर यहाँ पर जो है तदफीन जो है शुरू करवाएं, ताकि महल्ले के हजरात को तदफीन के लिए जगह मिल सके। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन ये लाल दरवाजे में मौजूद एक और एक कब्रिस्तान है जहाँ पर जो है ये बंडियाँ, साइकिलें, कचरे की कुंडी यहाँ पर भी बनी हुई है। ये पूरे यहाँ पर बकरियाँ जो है चल रही हैं, देख सकते हैं आप। वक्फ बोर्ड की इतनी बड़ी नाकामियाँ भी है, नाकामियाँ भी है ये हैदराबाद पुराने शहर के ओल्ड सिटी के इलाके में, इतनी यहाँ पर खबर की जगह मौजूद है, इसके बावजूद जो है वक्फ बोर्ड यहाँ पर जो साफ़ सफाई का काम करने से खासिर है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर शराब की बोतलें भी मौजूद है, मतलब पीना खाना यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा लेकिन साफ़ सफाई का काम यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा। ये लाल दरवाजे से अंदर आने के बाद में छतरी नाके की साइड ये कब्रिस्तान मौजूद है, एक और कब्रिस्तान इसके पीछे है। ये डंपिंग यार्ड बोल सकते हैं आप, कचरे की कुंडी बोल सकते हैं या कब्रिस्तान बोल सकते हैं, बस आप लोग इसका फ़ैसला करिए। और वक्फ बोर्ड सलीम साहब से हमारी ये गुजारिश है कि कब्रिस्तान को जो है यहाँ पर बाउंड्री वॉल भी नहीं है, सामने से बाउंड्री वॉल नहीं है, इसकी भी हदबंदी ज़रूरी है, फिर कल के दिन कब्ज़ा हो सकता है इसके ऊपर, इसके बाद में कोर्ट में केस जाता, वो बरसों सालों साल चलता, लाखों केस अभी पेंडिंग है वक्फ बोर्ड के, हज़ारों केस पेंडिंग है, एक और एक केस जो है पेंडिंग में पड़ेगा। इससे पहले वक्फ बोर्ड सलीम साहब को चाहिए कि इस कब्रिस्तान की हदबंदी करे और जो है काम होता बोलने का मतलब नाम नहीं, नाम लेके क्या करते, काम होता नहीं होता भाई, फोर टीवी वाले आके भी लेके गए, कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं बचपन में हमारे वालिद साहब 40 साल गुजार दिए, जैसा का वैसी जो हमारे वालिद साहब साफ कराते, हम लोग ही साफ करा लेते, रमजान में आते ना भाई शाबान को बराबर, और उल्टा हम साफ कराते, उल्टा लोग आके हमारा कुछ बोल के आते, अरे अरे पूरा खराब कर दे यार तुम, आओ भाई हम कर दे रहे, हम इस कर रहे हैं भाई, जाओ बल्कि भी जाए। अच्छा देखो ये खबर बना रहे, टूटी थी बना, सुनो कंप्लेट बना लेना, नहीं बा खबर खबर है, इतनी बड़ी खबर है, अरे इतनी थी मेरे बाबा, बना लिया बड़ी छोटी थी, तोड़ते तो बना बना, हमारे क्या करना ना सर बाबू, बड़ा भाई किसी कुछ बोले जा नहीं है भाई, अपने लोग कहते हैं बना लेंगे, बोल तो सौ गज का टुकड़ा लेके खबर बना रहे, क्या रे डुक्कर बोलते, साल में एक टक्कर मारते आते आके पूरा रुआ भी यहीं बताते हमारे पास, अब बकरीद में आते बा शाबान में आते, फिर बीच में कोई नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता एक बार भी आगे, हां क्या कर दिया रो, वो कर दिया रो, ये अरे साल में एक बार बड़े लोगों की याद आती, कोई बस बीच में नहीं आते। अच्छा सुना दाने नहीं आते यार, खुद तो याद रखो,
अच्छा आदमी को जितना खबर है ना, एक एक जने 200 रुपए दिए ना, हमें 200 रुपए दिए ना, चार आदमियों को लगा के एक दिन में। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।